हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल रीता विलेज ब्लॉग में। दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ शाम के चाय के साथ नाश्ते में सूरन का पकौड़ी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, हमारा वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत छोटा वीडियो बनाई हूँ अभी, तो वीडियो अच्छा से अच्छा बनाने कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, बना नहीं पा रही हूँ। सूरन काट के मैं अपना हल्का से उबाल ले रही हूँ, दो सीटी लगा लूँगी कुकर में। इसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बना ले रही हूँ। इसके बाद दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, अपना कीमती समय हमारा वीडियो देखने के लिए ज़रूर निकालिएगा दोस्तों। यहाँ मैं लहसुन अदरक प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना ली हूँ। बेसन ले लूँ आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, अजवाइन एक चिटकी, हींग स्वाद अनुसार, नमक 3, मीडियम साइज प्याज काट ली हूँ दोस्तों। इसके बाद इसका घोल बना ले रही हूँ, अच्छे तरीके से मिला ले रही हूँ बेसन में। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बना के खाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और सूरन इसी में ऐड कर दे रही हूँ, सूरन को बेसन में डुबा कर बनाने से कम अच्छा लगता है दोस्तों, इसके साथ बेसन के साथ ऐड कर देने से ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरीके से बनाइएगा और खाइएगा तो आप लोग ज़रूर समझ जाइएगा कि ज़्यादा टेस्टी इसी तरीके से लगता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, मैं अपना वीडियो ज़्यादा अच्छा से अच्छा शेयर करने का कोशिश करूँगी दोस्तों, अभी प्रयास कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, तल ले रही हूँ। इसके बाद दोस्तों दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर दोस्तों, प्लीज़। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।